तो रिव्यू करेंगे इस वीडियो में मैकबेरी कोल्ड सिरप के बारे में। भाई क्या है, कौन सी बीमारी में चलती है, किस तरह से दी जाती है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, डोज क्या होती है, सावधानी क्या है, किस तरह से काम करती है, जानेंगे सब कुछ। तो देखिए मैकबेरी कोल्ड सिरप यानी पीने की एक शीशी आती है 60 ml की, इसको बच्चों के डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, बच्चों में दी जाती है। अगर कोई बच्चा 1 साल से लेके 3-4 साल तक का है तो वहाँ इसको दी जाती है, सेल्फ यूज नहीं की जाती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लग बुखार दवा द्वार पर मिल जाती है, मैगलोर्स कंपनी बनाती है, एक अच्छा कंपनी है, बढ़िया रिजल्ट मिलता है, बढ़िया फेमस प्रोडक्ट है। बात करें भाई कहाँ दी जाती है, तो दोस्तों बच्चों को कोल्ड की प्रॉब्लम में दी जाती है, जुखाम की प्रॉब्लम में दी जाती है, फ्लू की प्रॉब्लम में दी जाती है। अगर बच्चे को नाक से पानी आ रहा है, जकड़न है गले में, बहुत ज़्यादा जकड़न है, खरखर रहती है, नाक बंद रहता है, बच्चे को जुखाम लग गई है, फ्लू है, बुखार है, वायरल है, तो वहाँ दी जाती है, कोल्ड की प्रॉब्लम दी जाती है। खांसी की प्रॉब्लम में काम करती है, खांसी में भी काम कर देती है, अगर गले में खरखर है, सूखी खांसी आती है तो वहाँ पर भी काम कर देती है। बात करें भाई किस तरह से काम करती है, तो इसके अंदर आते हैं 2 सॉल्ट, पहला है फेनिला प्रिन, दूसरा दोस्तों क्लोरोफिनराबिन। फेनिला प्रिन दोस्तों एंटी कोल्ड होता है, एंटी कोल्ड सॉल्ट है, कोल्ड की प्रॉब्लम में काम करता है, नाक से पानी का निकलना रोकता है, छींक आ रही बच्चे को वहाँ काम करता है। क्लोरोफिनराबिन दोस्तों एंटी हिस्टामिन सॉल्ट है, हिस्टामिन नाम के रसायन को बनने से रोकता है, जो कि कई सारी एलर्जियों के पीछे का कारण होता है, तो इस तरीके से काम करती है। बात करें भाई डोज की, तो 5-5 ml दिन में बच्चा 2-3 बार ले सकता है। अगर कोई बच्चा 2-3 साल तक का है तो वो 5 ml दिन में 2 बार ले सकता है आराम से। वैसे डोज दोस्तों अलग अलग हो सकती है और डॉक्टर वैसे बता देते हैं, बच्चे का बॉडी वेट देखा जाता है, उसकी एज देखी जाती है, तो उसके हिसाब से ही डोज होती है। बात करें भाई साइड इफेक्ट की, तो देखिए एलोपैथिक मेडिसिन है, साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नींद आने, दिक्कत होना, पेट में दर्द होना, वोमिट कर देना बच्चा, सर दर्द होना, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये हर किसी बच्चे को नहीं होते, बहुत ही कम चांस में होते हैं, तो वो घबराने की बात नहीं है। सावधानी इसकी ये है कि डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, लेने के बाद अगर बच्चे को साइड इफेक्ट हो भी जाए या फिर और कोई गड़बड़ी हो तो तुरंत डॉक्टर को बताना है। तो ये था संपूर्ण रिव्यू, वीडियो किस लगा कौन हो सकता है, कुछ भी सोचा हो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं।